हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज़ मीडिया प्लेयर का ये एरर आ रहा है तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ। उसके बाद आपको इसको क्लिक कर कर ओपन कर देना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर फाइंड आउट करना है मीडिया फीचर। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये बॉक्स में यहां पर चेक है, तो आप यहां पर क्लिक कर कर इसको एक्सटेंड कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर 2-3 ऑप्शन शो हो रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर उन ऑप्शन को अनचेक कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अनचेक कर कर आपको यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर देना है, ये अनचेक हो गया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहां पर देख सकते हैं सर्चिंग फॉर रिक्वायर्ड, तो यहां पर ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके गाइस, तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। फिर आपको पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपके पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।